الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم بزرگان محترم گرام قدر علماء کرام तकरीबन पिछले दो सवा दो घंटे से हमारा यहां पर बैठना और जमा होना बोरसद शहर के फतेह नगर की मस्जिद इब्राहिम में चलने वाला मदरसे फैज़े कमर के पहले सालाना जलसे में हमारा जमा होना हुआ है। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को बे इंतहा कबूल फरमाए, बेहतर नताइज के जाहिर होने का जरिया बनाए। और जैसे सूरज की रोशनी से फल बढ़ते हैं और चांद की मिठास से और चांद की किरणों से फलों में मिठास आती है, ऐसे ही रब्बे कायनात इस मदरसे फैज़े कमर में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत आमाले सालेहा की मिठास और अपनी मोहब्बत और मारिफत की मिठास अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाए। बुजुर्गों, हर मकतब हर मदरसा इंसानों को सही माने में इंसान बनाने की तालीम देता है। ये बात नहीं है कि मदरसा और कुरानी तालीमात इंसानों को हैवान बनाता है, ये गलत बात है। करीब आओ तो शायद पहचान लोगे हमें, ये फासले ही तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। कुछ दिनों पहले एक लाइन और मर्दूद शख्स की तरफ से कुराने करीम पर कीचड़ उछाला गया, लेकिन ये याद रहे चिमगाडर का मलामत करना आफताब की रोशनी को नुकसान नहीं पहुंचा। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हम नहीं कहते ये तारीख बताती है हमें, हम नहीं कहते ये तारीख बताती है हमें, मिट गए दीने मोहम्मद को मिटाने वाले। जब दुश्मनाने इस्लाम अपने एक मिशन के साथ चलकर कुरान से एतमाद उठाने की और एतमाद उम्मते मुस्लिमा का खत्म करने की कोशिश और मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे दौर में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि
कि हम कुरान और साहिब कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर बनाए। उसका जवाब यही है। जवाब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर कोई कुछ बात आई, हमने कोई कमेंट कर दी, फिर कुछ आया, फिर कुछ कमेंट कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के 56 साल तक मुहतमिम रहे, उन्होंने अजीब बात लिखी है कि ये दौर इल्म की फरावानी का दौर है। न चाहते हुए भी इल्म सामने आ जाता है। भाई मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन दीन की बात हो रही थी बैठ गए हम, तालीम हो रही थी बैठ गए, नमाज पढ़ के निकले, कोई पर्चा तकसीम हो रहा था, कोई किताब तकसीम हो रही थी, हमने ले ली। तो न चाहते हुए भी इल्म तो सामने आ जाता है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जरूरत इस बात की है कि हम उस इल्म को अपने सीने से लगाकर अपनी जिंदगी को अमली जिंदगी बनाए। तो कुरान करीम पर, इस्लाम पर हर दौर में दुश्मनान इस्लाम और वो तमाम लोग जो अल्लाह की बारगाह से निकाल दिए गए और अल्लाह के गैज़ो गज़ब के मुस्तहिक बने, उन्होंने कुरान और इस्लाम पर उंगली उठाई, लेकिन वो तो खत्म हो गए। अबू जहल आया, अबू जहल चला गया, उतबा आया वो चला गया, शैबा आया वो चला गया, बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम आए चले गए, लेकिन कुरान करीम को मिटाने की बात तो क्या, कुरान करीम के जबर जेर पेश को भी खत्म नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ऐसे ये रजवी जैसे लईद और मरदूद आएंगे और चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत इसकी है। इसका बेहतरीन जवाब ये है कि हम अपने आप को कुरान से जोड़ लें। उसका बेहतरीन जवाब यह है कि हम अपने आप को पुरानी तालीमात से जोड़ लें। वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए हैं तारीख कुरान होकर। तो कुरान करीम के साथ हमें वालेहाना ताल्लुक पैदा करना है। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबी कल्बी, ए अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। ए अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। भाई देखिए, जहां बहार होती है, जहां हरियाली होती है, वहां इंसान की तबीयत भी लगती है। तो जब कुरान दिल में बैठ जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह वही पुरानी जिंदगी, पुरानी अहकाम उसके साथ अपनी जिंदगी को लगाना, ये हमारे लिए आसान होगा। तो आज नियत करें इंशाअल्लाह कि हम तिलावत से आगाज करके अहकाम कुरान तक अपने आप को ले जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह, और उसी की तालीम और ट्रेनिंग इन मकातिबे इस्लामिया में दी जाती है। देखिए शुरुआत कहां से होती है, अपने वो मकतब में जो नूरानी कायदा वगैरह और हुरूफ की सेहत, कौन सा हर्फ कैसे अदा करना, ऐसे प्रोग्राम में लोग बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। हालांकि उसको गौर से सुनना चाहिए कि किस तरह कैसा लफ्ज उस्ताद कैसे अदा कराता है। भाई देखिए, इसमें बहुत से होंगे कि जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश किस तरह बोलना, तो इंग्लिश बोलने का कोर्स उन्होंने सीखा होगा। जगह जगह आपने देखा होगा बोर्ड भी लगे हैं, भाई स्पोकन इंग्लिश कोर्स 3 महीने 2 महीने, उसमें तलफ्फुज अल्फाज की सेहत। अभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश सब्जेक्ट जिन्होंने लिया होगा तो उनको ये मालूम है कि बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं, बहुत से हर्फ ऐसे होते हैं
जो लिखने में आते हैं पढ़ने में नहीं आते, जो लिखने में आते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आते, जैसे ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट का जो स्पेलिंग होता है वो एच से शुरू होता है, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, लेकिन उसको होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। और लिखने में बगैर एच के लिखेंगे भी नहीं, इसलिए कि बनाने वाले ने, इस लुगत को बनाने वाले ने जिस तरह उसको लिखने को कहा और जिस तरह पढ़ने को कहा, उसी तरह उसको लिखा जाएगा और उसी तरह उसको पढ़ा जाएगा। समझ रहे हो भाई? गुजराती में भी देखिए, गुजराती हम लोग जो बोलते हैं तो गुजराती में भी अल्फाज की दुरुस्तगी जरूरी होती है। अब यहां कोई सब्जी वाली, कोई आपा, कोई खाला सब्जी की लारी लेकर आई और उसको किसी ने कहा शाकवाड़ी तू मड़ी गई तो घणू साफ थी। पड़ोस की औरत कह रही है शाकवाड़ी तू मरी गई तो घणू सारू थी। अब ये र और र, उसके फर्क ने पूरा तर्जमा बदल दिया। मरी गई यानी मिल गई, और मरी गई यानी मिल मर गई। समझ रहे हो? कोई पागल औरत मोहल्ले से गुजर रही थी तो मोहल्ले के शरीर बच्चों ने कहा कि गाड़ी आई। कौन आई? गाड़ी आई। और बोलसर के रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जा रही थी, उसको देखकर कहा गांधी आई। समझ रहे हो? एक पॉइंट कम कर दिया, माना बदल गया, एक पॉइंट बढ़ा। अब गांधी पागल तो जो मोहल्ले में घूम रही थी उसको कहना चाहिए था, लेकिन पॉइंट यहां से कम किया तो माना बदल गया। स्टेशन पे गाड़ी को गांधी कह दिया तो भी माना बदल गया। उससे कई गुना ज्यादा नाजुक मामला कुरान करीम का। वो जो बच्चों बच्चे, वो जो आपा जन 500 रूपये इनाम देकर गए थे ना, अरे दिया था कि नहीं आखिर में? उन्होंने दिया था, वही एक प्रोग्राम था जिसमें इनाम मिला कि भाई वो आने वालों ने दे दिया उनको इनाम। तो ये अल्फाज उस्ताद किस तरह अल्फाज सही कराते हैं, ये जुबान को मोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। हम तो क्या समझते हैं कि भाई बच्चे को भाई तख्ती दिला दी, नूरानी कायदा दिला दिया, अला बलाबर गर्दन मुल्ला जा, उस्ताद को जो ठीक लगेगा वो करेगा। ये शुरुआत वहां से होती है भाई। मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से क्या जमीन के ऊपर कोई पाया नहीं डाल देता, बल्कि क्या करते हैं? अरे बोलो, जमीन को खोदा जाता है और फिर खोदने के बाद भी डायरेक्ट भाई ये तामीर शुरू नहीं हो जाती, बल्कि भाई कैसी तामीर होती है उस एतबार से लोहे को इस्तेमाल करके, उस एतबार से डिजाइन बनाकर, उतनी मिकदार में सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल करने के बाद पहले फाउंडेशन को मजबूत किया जाता है, उसके बाद तामीर फिर ऊपर से शुरू होती है। ये बच्चों ने जो बातें जो पेश की और अलग अलग जो मिसालें दी जिसमें अक्सर लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, और ऐसे प्रोग्राम में लेते नहीं। हालांकि आपको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि किस तरह बच्चे अल्फाज अदा करते हैं। समझ रहे हो? तो ये शुरुआत वहां से होती है, उनकी जुबान को कैसे मोड़ना, होंठ का कैसे इस्तेमाल होना, भाई लफ्ज को अदा करना तो लफ्ज को अदा करने में भी होंठ का इस्तेमाल कैसे होगा, जुबान, अब ये गले से हर्फ कैसे निकलेंगे, कहां से निकलेंगे? हम तो सिर्फ इसी फिक्र में पैसे लोगों के पास कहां से निकलेंगे। समझ रहे हो? यही चक्कर में तो अब ये शुरुआत वहां से हुई, फिर यही बच्चे कहां पहुंचे? कुरान में। कुरान अब अगर वही फाउंडेशन ही अगर मजबूत नहीं है तो वो कुरान भी सही ढंग से नहीं पढ़ सकेंगे। यही फाउंड, इसीलिए
बहुतों को एतराज भी होता है, मेरा बच्चा 2 साल से नूरानी कायदे में, 1.5 साल से नूरानी कायदे में, कुछ ध्यान दे देने उस्ताद। अरे भाई तू लेके बैठ, तूने कितना ध्यान दिया, तूने कितना ध्यान दिया। वहां तो खेल उस्ताद ये तरीके से पढ़ाते हमको नहीं आता, फिर सीधा सीधा रहे ना भाई, नहीं आता को। तो शुरुआत करनी है अल्फाज की सेहत से, फिर ये मकतब क्या है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, वहां से शुरू होगा। फिर अल्फाज की अदायगी, कुरान को पढ़ना और कुरान को पढ़कर उसकी फिर तालीमात को जिंदगी में लेना। अब जैसे ही जो मुख्तलिफ प्रोग्रामात पेश किए, अब उन्हीं प्रोग्रामात में से भाई एक प्रोग्राम ये था, नाप तोल में कमी और चोरी, लोग बहुत टेक्निक से करते हैं। वैलुल मुतफ़िफ़ीन, तो भाई हलाकत हो कम तोलने वालों के लिए, लेना हो तो उस वक्त बराबर और जब देना हो तो उस वक्त कम। और खाली तोलने की बात नहीं है, बल्कि अगर कोई कपड़े का ताजिर है तो देना हो तो खींच कर करेगा, यानी जो पौना मीटर होगा तो वो 1 मीटर हो जाएगा, समझ रहे। और आजकल ये डिजिटल का जो जमाना है, वो डिजिटल ने लोगों को और ज्यादा कंजूस कर दिया। पहले जो वो बांट आते थे भाई 200 ग्राम 250 ग्राम के, जो अलग अलग 50 100 ग्राम के, जो जिसको काटले कहते हैं वो होता था वजन करने के लिए, तो उसमें 25-50 ग्राम तो नजर भी नहीं आता था। और यहां तो डिजिटल आ गए नंबर, अब 500 ग्राम लेने के तो 500 ने एक हो गया ना ऊपर, बोले देखो मैंने झूठ, तो उसको भी निकाल लिया, समझ रहे हो भाई। झुकता तोलना ये शरीयत की तालीम है। देखिए ये दज्जाली फितना ये है, रूहे दज्जाली ये है कि लोगों को बिल्कुल जितना हो सके इतना चूसो। रूहे मोहम्मदी ये है कि लोगों के लिए जितने हमदर्द बन सके इतने हमदर्द बने, जितने हमदर्दी कर सकते। अब ये मकातिब में सिखाया गया है कि खबरदार, अगर तुम ताजिर हो तो झुकता तोड़ने की आदत डालो, तुम अगर कोई तिजारत कर रहे हो कपड़े के ताजिर हो, कपड़ा खींच के मत उसको नापना, समझ रहे हो। ये कहां सिखाया जाता है, अरे भाई बोलो, ये यही मकातिब में सिखाया जाता है। और आगे बढ़े, ये मकातिब में क्या सिखाया गया, वो दादी अम्मा जिनसे वो पोती ने 200 खींच लिए, देखिए अभी हम लोग पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि भाई मास्क में सलामती है, क्या कह रहे हैं, मास्क में क्या है, जब तक दवाई नहीं तब तक डलाई नहीं ढिलाई नहीं, सुनते ना बार बार जगह जगह, सिर्फ ये मास्क पहनने के इतने फायदे कि जरासीम असरअंदाज नहीं होंगे तो पूरा शरीर पर्दा होगा, तो जरासीम के शैतान भी असरअंदाज दिया, समझ रहे हो। दूसरे जितने गुनाहों के जरासीम है। और मोहतरमा दीनी बहने, बहुत जरूरत है शरई पर्दे की। एक तो रिवाजी पर्दा, रिवाजी पर्दे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, शरई पर्दे की बहुत जरूरत है। और अपने बच्चों को बचपन ही से उस पर आमदा करो। अब बच्चों को बचपन से, बच्चियों को भी बारीक कपड़े पतले कपड़े पहनाने के आदि होते हैं, फिर यही बच्चे बड़े होते हैं तो उस एतबार से डिमांड करते हैं, तो माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये बाबा सूट और बेबी सूट के अलावा तो पहनने को तैयार नहीं है, तो उसको वही आई थी, हमने आदत डाली है। इन मकातिब में सिखाया जाता है कि औरतों की इज्जत की हिफाजत कैसे होगी, समझ रहे हो, नजरों की हिफाजत, उसका तरीका क्या है। वो जो बुर्का, वो दर हकीकत एक हिफाजत का सामान है। इन्हीं मकातिब में क्या सिखाया गया,
वो रोजा अल्लाह के अहकाम की तकमील है लोगों, अल्लाह के अहकाम की तकमील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं। अभी भी उम्मते मुस्लिमा का बहुत बड़ा तबका वो रोजा नहीं रखता, अच्छे अच्छे लोग नहीं रखते। मैं आपको इंग्लैंड की बात बतलाऊं, देखिए हमारे यहां तो रोजा इफ्तारी और सेहरी का मामला माशाल्लाह इतना मजबूत होता है कि सेहरी में इतना डट के होता है कि इफ्तारी तक तो इतना मसला आता नहीं है, समझे। और इफ्तारी में ऐसे टूटते हैं कि मगरिब की रकातें भी चली जाती है, एहसास तक नहीं। इंग्लैंड में अभी इस वक्त में रमजान, बाजी जगह पर 19.5 घंटे का रोजा, बाजी जगह पर 20.5 घंटे का रोजा, समझ रहे हो। अब माशाल्लाह वो लोग काम भी अच्छी तरह कर रहे हैं और इबादत के जरिए अपने रमजान को वसूल भी करते हैं। आप तरावी में देखो भाई, मस्जिद में तो तरावी हो रही है लेकिन मस्जिद के पड़ोस में मदरसा है, यहां 10-10 जगह तरावी हो रही है। 4 हाफिज उधर खड़े हो गए, 2 उधर खड़े हो गए, 3 उधर खड़े हो गए, सब अपने अपने कुरान की फिक्र कर रहे हैं। बाजे मसाजिद 24 घंटे आबाद, समझ रहे हो। तभी रोजा, ये रमजान, ये हकीकत में ये हमारी तरबियत का जरिया है, उसमें हमें रोजे की भी आदत डालनी है, बच्चों को बचपन से सिखाना है। नंबर 2 कुरान की तिलावत का इहतमाम करना है। भाई देखो इस गए गुजरे दौर में भी, अभी बड़ौदा शहर के अमीर साहब शोएब भाई, उनके भाई महफूज भाई का इंतकाल हुआ तो वहां मुझे बतलाया कि रमजान मुबारक में बरसों से रोजाना 1 कुरान करीम खत्म करने का उनका मामूल था, रमजान में रोजाना। ये ताल्लुक की बात है। तो भाई हम भी नियत करें कि इनमें रोजे, चाहे जितनी भी शिद्दत हो, जितनी भी गर्मी, जितनी भी हरारत हो, लेकिन अब जहन्नम की गर्मी से हमको बचना है तो उसके लिए ये ढाल है। तो ये मकतब में सिखाया जाता है रोज, अच्छा तो रोजे का क्या सिखाया जाता है, बोले रोजे में तरबियत इस तरह हो रही है, हलाल को छुड़वाना सिखाया ताकि हराम से बचना आसान, खुद की कमाई हुई रोटी कहा कि खबरदार तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरू में आफ्ताब तक एक लुकमा अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई का पेट में न डालना। खुद की कमाई हुई हलाल कमाई से दूर रखा। तरबियत की, क्या तरबियत, के मोमिन वो होता है कि हराम लुकमा तो अपने पेट में क्या डालेगा, वो तो हलाल लुकमा भी अपने पेट में डालता है तो अल्लाह की मर्जी, समझ रहे हो। तो यही इस तरह से तरबियत का निजाम रोजे की शक्ल में ये हमारे इन्हीं मकातिब में सिखाया जाता है। इसी तरह वो अखीर में फैशन आई थी, क्या आई थी भाई, और ये जमाने में अल्लाह माफ फरमाए कि सबसे ज्यादा जो कारोबार चलता है ना कॉस्मेटिक का चलता है। मैंने बड़ौदा में एक जगह लिखा हुआ देखा था, गोरा थवानो साबु अहिया मरसे, गोरा थवानो साबु अहिया मरसे। वो उसके पास गया, मैंने कहा भाई कितने साबुन इस्तेमाल करने के, या इसका क्या तरीका है, इसका लॉजिक बताओ आप। बोले सलमान साहब आप चले जाओ ना, समझो ना। मैंने कहा बताओ तो सही क्या है, हम आपको कस्टमर ला के देंगे। तो कहने लगे कि भाई जब तक खूबसूरत हो नहीं वहां तक इस्तेमाल करते रहो। समझ रहे हो, फैशन को करार नहीं है, सुन्नत को करार है। इबादत का नूर, इबादत का नूर जो आएगा वो इंशाल्लाह बाकी रहेगा।
आजकल बच्चों को, ये मैं माँ बाप से कहूंगा कि बच्चों को बचपन ही से फैशन से दूर रखने के आदि बनाए। अब माँ बाप बचपन ही से उनको लाली लिपस्टिक में उसकी आदत डाल देते हैं तो बड़े होने के बाद फिर वो बच्चे उन्हीं चीजों का मुतालबा करते। खिश्ते अव्वल चूनी हद में मार कर तासरैया मीरावत दीवार कर, इमारत की पहली ईंट अगर टेढ़ी रखी जाएगी तो इमारत आसमान तक पहुंच जाएगी तब भी टेढ़ी रहेगी। समझ रहे हो? तो ये अब ये मकातिब में वो तालीम दी जा रही है, फिर अखीर में वो आयशा पर जो नजम पेश की। देखिए ये नजम पेश करने से कुछ नहीं होगा, असल ये है कि हम तमाम ये तय करें कि अपने अपने घरों में शादियों के मौके पर हम किसी भी तरह के रीत रिवाज को इख्तियार नहीं करें। असल ये है, हम दहेज भी नहीं देंगे, रिवाजी खाना भी नहीं करेंगे, खाली ये खुदकुशी उसने कर ली उसी को हमने गुनाह समझा। उसके अलावा हम देखो हमारे मुआशरे में शादी में हजारों आदमी खाना खा रहा जो कोई साबित नहीं है। इतना खाना तो करना पड़ेगा, ये तो होगा, ये हल्दी का खाना, ये फला खाना, ये फला खाना, ये सब खत्म करना पड़ेगा। शादी जो है शादी, वैसे भाई उसका माना होता है खुश रहना, शाद रहना, खुश रहना। तो अगर उसमें हमेशा की खुशी चाहते हो तो ऊपर से तीन नुक्ते निकाल दो। तीन नुक्ते क्या कर दो? शादी को क्या कर दो? शादी कैसी कर दो? हाँ शादी कर दो। आजकल अल्लाह माफ फरमाए, हमारा अच्छे अच्छे घरों में ये देखा गया है कि शादी के मामले में बिल्कुल जीरो है। रिवाजी खाना करना है या नहीं करना है कुछ भी हो जाए, दिमाग में एक भूत सवार है, लोग क्या कहेंगे, अरे अल्लाह क्या कहेगा, कभी ये ख्याल नहीं आता। हमको बचाने के लिए कयामत के दिन कौन आएगा? क्या मुझे बचाने मेरा समाज आएगा? मुझे बचाने के लिए मेरे दोस्त अहबाब आएंगे? मुझे बचाने के लिए मेरे रिश्तेदार आएंगे? कयामत के दिन जो मेरा सहारा बनेगा वो मेरे नबी बनेंगे। तो फिर मैं अपनी शादी बिया में मैं अपने जब नबी सहारा कयामत के दिन बनने वाला, जबकि माँ भी दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, तो फिर हमने उस नबी, जो नबी हमको वहां बचाएंगे, तो हम उस नबी के तरीके को यहां क्यों ना थामे। समझ रहे हो? इन मुबारक मस्जिद में भी ये बात खुल कर कही थी। तो नियत करो, अब सिर्फ नहीं ये इसके मर्सिये पढ़ते रहेंगे हम कि भाई बहुत गलत हुआ, ये हुआ। तो बहुत से लोग इज्जत के साथ लेन देन का सिलसिला करते हैं, जो नहीं है वो नहीं है, बात खत्म। अपनी लड़कियों को मीराज दो, मीराज देते नहीं, मीराज देते नहीं, और जहेज के नाम पे दे दिया ये ले लिया, बात खत्म। मीराश न देना गुना और जहेज देना गुना। अब ये दो गुना में हम लोग कुचल गए, फिर चाहते हैं कि भाई जिंदगी अच्छी तरीके से कटे, तो कहां से कटे? अजमु क्या फाते अमल गाफिल मशो गंदुम गंदुम बरो जाओ जाओ, अमल की बराबरी से गाफिल न होना। गेहूं डालेंगे तो गेहूं निकलेंगे और जौ डालेंगे तो जौ निकलेंगे। समझ रहे हो? ये हमारे मकातिब में ये बात सिखाई जाती है। आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल जिंदगी बच्चों को बचपन ही के जमाने से उनके सामने लाकर उनको मुस्तकबिल में बेहतर इंसान बनाने की तालीम और तलकीन हमारे इन मकातिब दीनिया में कराई जाती है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है हम ऐसे मकातिब की क्या करें, कदर करें। जहां कहीं भी ऐसे मकतब चलते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम पाबंदी के साथ बच्चों को भेजें और वो जो तालीम हासिल करते हैं
उस तालीम को सिर्फ ये नहीं कि वे बच्चों ने पढ़ लिया, बल्कि माँ बाप खुद उस तालीम के मुताबिक बरतने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह जिंदगियों में निखार आए। अल्लाह ताला इस पदर से फैज़े कमर को भी कबूल फरमाए, हर किस्म की तरक्कियात से माला माल फरमाए। अभी ये फैज़े कमर की निस्बत दर हकीकत मेरे शेख हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहुम की तरफ मुनी इमरान ने की है, ताकि वही फेज मिलता रहे, वही कमर की मिठास आती रहे और जिंदगियां बनती रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे फेज कमर को, इसके मुंतजिमीन को, मुआविनीन को, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और इस पूरी बस्ती को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चंद सालों पहले मस्जिद इब्राहिम के इफ्तिताह में आया था और अभी अल्लाह ने वो मौका दिया कि आज के इस पहले जलसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको साथ में बैठने का मौका दिया। अल्लाह ताला इस मस्जिद इब्राहिम को, ये फैज़े कमर मदरसे को और आपके मोरसद में जितने भी मकातिब मदारी जो कुछ भी चल रहे हैं और जितने भी दीनी फरोग के जितने भी काम हो रहे हैं बोरसद में, बोरसद के अतराफ में, पूरे आलम में, अल्लाह ताला तमाम कामों को, काम करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, हर किस्म की तरक्कियात से अल्लाह ताला माला माल फरमाए, हर खैर को मुकद्दर फरमाए, हर शर से हिफाजत फरमाए। एक बात मैं कहूँ, माशाल्लाह बच्चों को इनाम अच्छे मिले हैं, लेकिन बच्चों के मुकाबले में बच्चों के अब्बा यानी उस्ताद उनको एवरेज कम लगी मुझे, समझ रहे हो? अरे भाई मेरी बात अयूब भाई समझते हो, यूसुफ भाई, उस्तादों को कुछ कितना जो मैं गिन भी रहा था, समझ रहे हो? तो एवरेज कम थी। ये मैं आपको पहला मौका है इसलिए मैं, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि भाई ये बातें आमतौर पे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा आपसे कुछ अलग ताल्लुक है, उस बुनियाद पे मैं समझता हूं कि मेरा हक है। असातिजा की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। बरसों पहले मुझे याद है 3 मकतब के एक साथ जलसे हुए थे मदीना नगर में, मदीना नगर मस्जिद की इफ्तिताह के मौके पर, तो उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि भाई उस्तादों को इनाम पहला जलसा था, तो माशाल्लाह उस वक्त शायद अनीश भाई ने किसी ने सब मकतब के उस्तादों को एक एक जोड़ी कपड़ा दे दे, मौलाना याद है आपको? तो चूंकि पहला जलसा है तो असातिजा की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे को भी कबूल फरमाए, मदरसे के मुंतजिमीन को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फमा अलैना इल्लल बला आमीन। फजज़ाकुम अल्लाहु अहसन अल जज़ा। हजरत सदर